Assalamu alaikum students. Today I will teach you long question number 1. Explain the source and significance of ideology. Nazariye ki ahmiyat aur maakhiz bayan karein. There are 5 sources of ideology. Number 1, common religion. Number 2, common political objectives. Number 3, common educational objectives. Number 4, common economic objectives. And number 5, common cultural objectives. Point number 1, common religion, mushtarka mazhab. Religion is not merely a set of prayers. Mazhab sirf ibadat ka majmua nahi hai, but it affects the entire social life of a nation. Balki ye kisi qoum ki puri muasharti zindagi ko mutasir karta hai. In the 19th century, 19th sadi mein, many Hindu movements such as the Arya Samaj, movements name Arya Samaj and the Brahmo Samaj, 19th sadi mein bohut si Hindu tahreekein jaise ke Arya Samaj aur Brahmo Samaj ne began in the Indian subcontinent, Barasgir Pako Hind mein janam liya, which were intended, jinka maksad tha, to propagate हिंदुज़म, जिनका मकसद हिंदुज़म की अशात करना, हिंदुज़म के मज़हब को फैलाना एंड ब्रिंग डाउन द मुस्लिम्स और मुसलमानों को नीचा दिखाना था. दीज आर द टू मूवमेंट्स ऑफ हिंदू. दिस इज़ योर शॉर्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द नेम ऑफ हिंदू मूवमेंट्स? आर्य समाज एंड ब्राह्मो समाज. द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज पंडित दयानंद सरस्वती. This is also your short question. Who is the founder of Arya Samaj? The founder of Arya Samaj, Pandit Dayanand Saraswati, had crossed all the limits. Isne tamam hadde tod di. He started a program called Shuddhi. Isne Shuddhi ke naam se ek program shuru kiya, which was aimed at forcibly converting non-Hindus into Hindus. Jiska maksad tha, jo log Hindu nahi hain, inko Hindu banana. इस तहरीक का, इस प्रोग्राम का मकसद ये था. वो कौन सा प्रोग्राम था? शुद्धि. शुद्धि इज़ अ प्रोग्राम विच वॉज एम्ड एट फोर्सली कन्वर्टिंग नॉन हिंदूज इनटू हिंदूज. हिंदुओं का जहन ये है, उनका ये अकीदा है, डैट इज़ टू क्लियर, डैट इज़ टू क्लीन देम अकॉर्डिंग टू हिंदू माइंड. हिंदुओं का अकीदा ये है कि जो लोग हिंदू हैं वो साफ हैं और जो हिंदू नहीं है वो साफ पाक नहीं है. राजा राम मोहन रॉय द फाउंडर ऑफ द ब्राह्मो समाज. हु इज द फाउंडर ऑफ द ब्राह्मो समाज? ब्राह्मो समाज राजा राम रॉय. ये आप लोगों का दूसरा नेम आ गया. दूसरी तहरीक के फाउंडर का नेम आ गया राजा राम मोहन रॉय, द फाउंडर ऑफ अ ब्राह्मो समाज. आल्सो यूज टू स्पीक अगेंस्ट मुस्लिम. ये भी मुसलमानों के खिलाफ बोलता था. इसके दिल में बुगस था ना मुसलमानों के लिए, तो मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज्यादा ये बोलता था. आउट ऑफ द मुस्लिम हॉस्टैलिटी, मुस्लिम दुश्मनी की वजह से ये मुसलमानों के खिलाफ इसने बहुत ज्यादा तकारीर की. द कांग्रेस गवर्नमेंट 1937-39, जब कांग्रेस की हुकूमत थी 1937-39 में, 1937 से 1939 तक, री इन्फोर्स्ड दिस नोशन. उन्होंने इस ख्याल को मजीद पुख्ता कर दिया. एंड इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर द मुस्लिम्स इन द यूनाइटेड इंडिया, और मुत्तहदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए मुश्किल हो गया टू मेंटेन देयर रिलीजियस आइडेंटिटी, अपनी मजहबी शनाख्त को बरकरार रखना. कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी इस ख्याल को मजीद पुख्ता कर दिया कि जो लोग हिंदू नहीं हैं वो पाक नहीं है. इस वजह से मुसलमानों को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा और उनको अपनी मजहबी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा. स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 इज फॉर लर्न एंड आल्सो शॉर्ट क्वेश्चन. हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? हु इज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज? नेम द टू हिंदू मूवमेंट्स